गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम राजस्थान का मत्स्य जनपद, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है और उससे कुछ ऐतिहासिक तथा भौगोलिक जानकारी भी मिलती है। ऋग्वेद में जिन प्रमुख आर्य दलों का वर्णन है, उनमें मत्स्य भी है। मत्स्य आर्यों ने सर्वप्रथम भरतपुर, जयपुर तथा अलवर के प्रदेशों में अपनी बस्तियां बसाई थी। राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में मत्स्य जनपद का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। भारत में प्रारंभिक आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जिन आर्य जनपदों का उदय हुआ, उनमें मत्स्य जनपद भी था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा अनुमान है कि इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के समीपवर्ती जंगल तक था। इससे स्पष्ट है कि यह जनपद न होकर एक महाजनपद था और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में राजा सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख एक प्रमुख आर्य समूह के रूप में किया गया है। कोशित की उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यह जाति सरस्वती नदी के किनारे पर आबाद थी और मत्स्यों के एक राजा ध्वसन द्वेतवन ने सरस्वती नदी के तट पर प्रमुख आर्य जनों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद ब्रह्म ऋषि देश का एक भाग था। अतः प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद एक महत्वपूर्ण आर्य जनपद था। महाभारत में मत्स्य लोगों और उनके महाजनपद का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर कहा गया है कि जंगलों में भटकते हुए पांडवों ने इस क्षेत्र में काफी समय बिताया था। इस क्षेत्र के लोग जरासंध के भय से उत्तर की ओर पलायन कर गए थे। एक अन्य प्रसंग में लिखा है कि अपने पूर्वी अभियान के दौरान भीम ने इस देश को जीता था। सहदेव ने भी अपने दक्षिणी अभियान के दौरान इस क्षेत्र के कुछ भूभाग को जीता और अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के समय इसी देश का चयन किया था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। ऐसी मान्यता है कि इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विराट नगर को बसाया था और इस नगर को मत्स्य देश की राजधानी बनाया। महाभारत के विवरणानुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में दुर्योधन को इसकी भनक पड़ी और उसने बिना किसी उचित कारण के विराट पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना मत्स्य जनपद के पशुधन को ले जाने लगी। संयोगवश उसी दिन पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम क्षण गुजर चुका था और अर्जुन ने गांडीव को हाथ में संभालकर दुर्योधन की कौरव सेना को मार भगाया। कौरव सेना पशुधन छोड़कर भाग गई। इस घटना से राजा विराट को पांडवों का वास्तविक परिचय मिल गया। प्रसन्न होकर राजा विराट ने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। महाभारत के युद्ध के समय राजा विराट एक शक्तिशाली सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचा। महाभारत के विवरणानुसार युद्ध में भीष्म पितामह ने मत्स्य देश के अनेक सैनिकों को मार गिराया था। द्रोण ने तो एक ही प्रहार में मत्स्य देश के 500 घोड़ों को मार गिराया। कर्ण ने भी मत्स्य सेना की रीढ़ तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में राजा विराट अपने 3 पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया। उसका दामाद अभिमन्यु भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरा ने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया। यही परीक्षित बाद में पांडवों तथा उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना।
अब हम देखते हैं मत्स्य महाजनपद की शासन व्यवस्था। मत्स्य देश की प्रारंभिक शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या रहा होगा यह कहना कठिन है, परंतु शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के विवरणों से एक बात स्पष्ट है कि मत्स्य महाजनपद में दीर्घावधि तक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का अस्तित्व रहा होगा और उसकी शासन व्यवस्था वैदिक युग के अन्य राजतंत्रात्मक जनपदों की भांति ही रही होगी। मत्स्य के पड़ोस में शालु बसे हुए थे। शालु जनपद वर्तमान अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था। सीमांतों को लेकर दोनों जनपदों में प्राय सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाता था, अतः सैन्य प्रशिक्षण और सेना पर विशेष ध्यान दिया जाता था, परंतु इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब हम देखते हैं मत्स्य महाजनपद का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि मत्स्य देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उन्नत एवं श्रेष्ठ हैं और वे लोग सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तत्पर रहते हैं। महाभारत के विवरण से ही पता चलता है कि लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध था। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के शौकीन थे। वे नाना प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन किया करते थे। चौपड़ और पासे खेलना, संगीत एवं नृत्य, घुड़सवारी और शिकार मनोरंजन के मुख्य साधन थे। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ चौपड़ खेलता था, जो अर्जुन को राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम सौंपा गया था। 12वीं सदी के प्रमुख संगीताचार्य हरिहर शर्मा ने अपनी रचना नतमुख में लिखा है कि कथक शैली का प्रणेता मिहिर ईसा पूर्व दूसरी सदी में मत्स्य देश में हुआ था। इससे संगीत और नृत्य के प्रति मत्स्यों की अभिरुचि का पता चलता है। मत्स्य जनपद को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः आर्यों के संक्रमण काल में सभी प्रमुख आर्य जनपद अपनी अपनी सीमाओं और राजनीतिक सत्ता के प्रभाव को बढ़ाने में संलग्न थे। शालवों की भांति चेदी महाजनपद भी मत्स्य का पड़ोसी था और दोनों के मध्य प्राय संघर्ष हुआ करता था। चेदियों का प्रभुत्व मत्स्य महाजनपद पर हो गया था, लेकिन यह अधिक समय तक कायम नहीं रहा। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद स्वतंत्र हो गया। मत्स्य जनपद का पतन कैसे होता है, इस संबंध में हम देखते हैं कि यद्यपि सिकंदर महान के आक्रमण के समय मत्स्य जनपद पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसके आक्रमण ने मत्स्यों के लिए नई समस्या उत्पन्न कर दी, जिसने उसके अस्तित्व और उसकी सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सिकंदर के आक्रमण से जर्जरित परंतु अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी तथा आर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और अपनी अपनी सुविधा अनुसार यहाँ बस गई। भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में आर्जुनायन बस गए। अजमेर, टोंक, मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में मालवों ने अपनी बस्तियां बसाई और चित्तौड़ के आसपास शिवियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन नए पड़ोसियों के आगमन का मत्स्य के राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उनकी विस्तारवादी नीति और सैनिक शक्ति के सम्मुख मत्स्य महाजनपद अधिक समय तक टिक नहीं सका और धीरे धीरे मत्स्य जनपद की सैनिक शक्ति क्षीण होती गई और आर्जुनायन तथा मालव लोगों की शक्ति सुदृढ़ होती गई। चेदियों के स्वतंत्र होने के बाद मत्स्य महाजनपद को पहले मालवों और आर्जुनायन से लोहा लेना पड़ा और उसके नियंत्रण से बहुत से क्षेत्र निकल गए। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहा, परंतु इसके बाद उसे मगध की साम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार होना पड़ा। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य भागों के महाजन पदों के समान मत्स्य महाजन पद को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।